इस समय जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये चीफ़ मेडिकल ऑफिसर जम्मू के ऑफिस की तस्वीरें हैं और पंजाब नेशनल बैंक द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है कोरोना को लेकर। हम बातचीत करते हैं यहाँ पर कि क्या क्या उस इनिशिएटिव के तहत खास रहेगा। सर, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है, पेंडेमिक इस समय चल रहा है और काफ़ी टफ सिचुएशन है, क्या खास है इस इनिशिएटिव में और क्या ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में आज से इसकी शुरुआत हुई है? पीएनबी फाइट्स कोरोना इनिशिएटिव के तहत आज हम जम्मू प्रोविंस के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे एक हमारा छोटा सा ये प्रयास है जिसमें हम हैंड सैनिटाइजर्स और मास्क नीडी पर्सन्स को थ्रू डिस्ट्रिक्ट जो अथॉरिटीज़ हैं उनके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं। और ये इनिशिएटिव हमारा ऑल इंडिया लेवल पे लगभग देश के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में पंजाब नेशनल बैंक ये इनिशिएटिव ले रहा है और इसको हम अगले महीने फिर से रिपीट भी करेंगे। और इसका एक मकसद ये भी है कि जो हमारे कोरोना फाइटर्स हैं उनका हौसला बढ़ाना। क्या टाइम टू टाइम ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं और फर्दर और ऐसे क्या क्या इनिशिएटिव्स पंजाब नेशनल बैंक द्वारा लिए जाएंगे? हाँ, CSR एक्टिविटी के अंडर हम ऐसे इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं। जैसे पिछले दिनों हमने ड्राई राशन जो है डिस्ट्रीब्यूट करवाया नीडी पर्सन्स को, तो वो हमारा एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक बैंकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अलावा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं और उसमें हम अपना रोल उस तरीके से निभाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर JP सिंह साहब हैं। सर, कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इंटरनली भी बढ़ रहे हैं, कितना ज़्यादा चैलेंजिंग है आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए? हमारी पूरी टीम के लिए, पूरी हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है कि जो कोरोना का रिसेंटली जो हमने देखा है, इसका जो हाइक हुआ है और जम्मू के लिए, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं समझता हूँ कि जैसे आज हमारे कोई 626 केसेस हमारे हो गए हैं और इसमें जो हमारा जो मुकाबला किया हमारी टीमों ने, उसमें 408 केस जो हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक होकर घर गए हुए हैं। तो ये जो बाकी, लेकिन जो आने वाला टाइम है उसमें हमें यही डर है कि ये स्पाइक बढ़ ना जाए। और हम तो ये कहते हैं कि जो लोगों को, जो आम लोग हैं, वो जो तीन मेन प्रिकॉशंस हैं वो ज़रूर लें, एक मास्क पहने, एक सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, इवन घरों में भी डिस्टेंस बनाए रखें, ऐसा नहीं है। और जो लोग खांसी वाले हैं, जो खांसी करते हैं, उनको मास्क तो ज़रूर पहनना है, खास करके जो घर में बुज़ुर्ग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जहाँ कोई गर्भवती महिलाएं हैं, ये जो हमारा वल्नरेबल ग्रुप है, इनके लिए तो खास प्रिकॉशंस लेने हैं, इनको तो मास्क पहनना ही है और साथ में फ्रीक्वेंट हैंड वॉश, जो तीसरा हमारा है कि वो चाहे सैनिटाइजर्स कर ले लो, चाहे आप सिंपल हैंड वॉश ही कर लो साबुन के साथ, तो ये फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करते रहना है। और ख़ास करके जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो अवॉइड करना है कि जो ट्रैवल है उसको अवॉइड करें, जो अननेसेसरी ट्रैवल करना है उसको टोटली अवॉइड करें, और ताकि हम इसको जो चेन है इसको रोक सकें। डॉक्टर साहब, गर्मी भी बढ़ रही है, स्कॉर्चिंग हीट भी बढ़ रही है, तो क्या आपके द्वारा कोई एडवाइजरी ऐसी निकाली गई है कि किस तरह से अपने आप को हाइड्रेट रखें और समर्स को लेकर किस तरह की एडवाइजरी? हाँ देखो, समर्स चल रही है, उसके साथ रेनी सीजन भी आ गया है, तो जो इसकी जो समर्स और रेनी सीजन के रिलेटेड जो ऑलरेडी डिजीज कुछ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, अब तो हम कोरोना में सब भूल गए हैं, लेकिन जो वो डिजीजेज हैं, आपकी गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, वो बड़ी कॉमन डिजीज़ है, तो उसके लिए ख्याल रखें, आप साफ़ पानी का इस्तेमाल करें या पानी को बॉयल करके पिएं, और जो बाहर की चीज़ें हैं, जो बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल जो कम करें, और जो फ्रूट भी बिल्कुल साफ़ सूफ करके, जो सब्ज़ी फ्रूट जो लेते हैं उसको बिल्कुल साफ़ करके उसको इस्तेमाल करें और खाएं, और अपना ख्याल खुद रखें, सबसे बड़ा ज़रूरी है। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको बड़ा हल्के में ले रहे हैं कोरोना को, सोशल डिस्टेंसिंग का वॉयलेशन करते हैं, मास्क नहीं लगाते, सोचते हैं कि कोई अचीवमेंट है हमने मास्क नहीं लगाया, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? नहीं नहीं, ये देखो, जो मास्क लगाना भी एक, ये भी एक चीज़ है कि जो मास्क है लेकिन लगाते ठीक नहीं है, नाक के नीचे रखते हैं मास्क, तो मास्क में जो नाक और मुँह है ये कवर होना चाहिए, क्योंकि जब आप बात करते हो तब भी अगर वायरस लोड है उसके अंदर तो वायरस शेड करता है वो, तो जो दूसरा आदमी है पास में वो वायरस उसको ले लेगा और उसको इफेक्ट कर देगा। तो इसलिए ये जो है, जो मास्क है, मास्क पहने, ज़रूर पहने मास्क, और प्रॉपर तरीके से मास्क पहने, और खासकर जब घर से बाहर जाएं, किसी सब्ज़ी वाले जा रहे हैं या किसी और चीज़ के लिए जा रहे हैं, तो वो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। और जो बाकी वालों को एडवाइस देते हैं, जो उनके घर में जो आ रहे हैं ना, जैसे कोई दूध वाला आता है या कोई मेड काम करने आती है, तो वो भी बड़ा ज़रूरी है, उनको भी बोल रहे हैं कि ये प्रिकॉशन लें, और तो लोग प्रिकॉशन लेंगे ही तो तभी हम इसको चेन को रोक सकते हैं, अदरवाइज़ हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है PNB फाइट्स कोरोना, और यहाँ पर हमने पंजाब नेशनल बैंक के जो DGM साहब हैं संजीव कुमार जी, उनके साथ हमने बातचीत की, और चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं उनके साथ हमने बातचीत की, और इस किस्म के इनिशिएटिव्स
लिए जाते हैं टाइम टू टाइम, ऐसा कहना है जो यहाँ पे डीजीएम साहब हैं पंजाब नेशनल बैंक के। और दूसरी बात हम आपको कहना चाहेंगे कि कोरोना वायरस से आपको लड़ना है, मिलकर लड़ना है, और उसके साथ साथ तीन टर्म्स को आपको याद रखना है, SMS, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र। इन तीन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। कैमरामैन साहिल के साथ मैं सोमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।